जो ग्रेजुएशन में आ गया है तो ग्रेजुएशन में लड़का को लड़की के साथ बैठाया जाता है, लड़की इतना समझदार होती है कि वो जितना लड़का 21 साल में समझदार होता है ना वो 18 साल में समझदार होता है। तुम्हारा कौन सा पैकेज चल रहा है? एमएस एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब एमएस वर्ड क्या माइक्रोसॉफ्ट और क्या बस माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो पावर पॉइंट को शॉर्ट में क्या करते हैं? पीपीटी को लॉन्ग फॉर्म में क्या करते हैं? पावर पॉइंट है क्या? पावर पॉइंट मतलब ये क्या है? इसमें मतलब प्रेजेंटेशन ग्राफ की तरह से बनाया जाता है। तो प्रेजेंटेशन का हिंदी क्या होता है? कुछ मतलब पता नहीं प्रोजेक्ट या ऐसे प्रेजेंटेशन जैसे आप खोल रहे हो तो प्रेजेंटेशन ये पावर पॉइंट है क्या? आखिर इसको हम क्या कहें? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, क्या है? सॉफ्टवेयर आया कहाँ से, किसके जरिए है, कहाँ पे है, इसका कुछ भी पिछले का हिस्ट्री वगैरह कुछ भी पता है आपको? कुछ इंट्रोडक्शन का परिचय है आपको? पता पावर पॉइंट है क्या, कहाँ से है, क्या कैसे है, कैसे वर्क करती है, कुछ भी ऐसे? हाँ, पावर पॉइंट मतलब ये तो अभी बता दें, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ग्राफिकल तरह से प्रेजेंट करते हो। और अभी तो ना इसमें मतलब क्या क्या होता है? तो इसमें होम टैब, ये जो ग्रुप्स होते हैं होम टैब और कॉमन नेबोर्ड, ये सब। अच्छा, हम एक्चुअली हमको इतना बताओ, हम फॉन्ट नहीं समझ रहे हो, चाहे जो भी सुन रहा है चाहे देख रहा है समझ रहा है, उसको फॉन्ट नहीं समझ में आ रहा, तुम किस तरह से समझाएगा उसको फॉन्ट? मतलब हम तुम जो इंग्लिश में बोला फॉन्ट हम नहीं समझे, या ये नहीं समझे, ये नहीं समझे, तो फॉन्ट को तुम किस तरह से समझाएगा कि फॉन्ट आखिर है क्या? ओल्ड में बहुत सारे मतलब कि टैग होते हैं, इसका उपयोग मतलब फॉन्ट को लेटर को अच्छा बनाने या स्टाइल बड़ा कि किसी को अपने भावनाओं को समझाना किस तरह से समझा रहे हैं, इसी को बोला जाता है प्रेजेंटेशन। इसी को बोला जाता है प्रेजेंटेशन। तो हम लोग अपने फीलिंग्स को नहीं समझा सकते। अगला फीलिंग्स को समझाने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए फेस टू फेस, अब तुम दो लोग देखो वीडियो कॉलिंग जो होता है, वीडियो कॉलिंग जो मीटिंग होता है, जूम पे मीटिंग ये सब जो देखा है, वो क्यों होता है? ऐसे तो ऑडियो भी हो जाता है, लेकिन ऑडियो नहीं लिया था, उसको वीडियो लेता है, क्योंकि कम्युनिकेशन चाहिए। हम जो अपने क्या समझाना चाह रहे हैं कि आपको फील हो रहा है, अगर हम लिखित में देते तो ये नहीं फील होता, पढ़ लेते आप। अगर आपका अच्छा मूड होता तो नॉर्मली उसको उठाते और अच्छा से पढ़ लेते। पावर पॉइंट की चीज होता है, खराब होता है पावर पॉइंट की चीज होता है, इसे मतलब क्या कर रहे हैं, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। मीटिंग ग्रुप्स का थोड़ा सा ऑप्शंस बताओ क्या है? सर, मीटिंग में रिप्लेस होता है, सेलेक्ट होता है, रिप्लेस होता है, और रिप्लेस और सेलेक्ट दोनों एक है, कैसे अगर अलग है तो कैसे अलग? सर, सेलेक्ट मतलब होता है चूज करना, और रिप्लेस मतलब होता है बदलना। क्या चलाता है देखो, जब कोई पूछने वाला क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है? बात तो वहीं से कर रहा है ना, जब से ये होता है कि पढ़ाया कुछ, क्वेश्चन आया कुछ, लेकिन आप इसको समझे कितना अच्छा से समझे, इसका मजे आप कितना अच्छा है, यही चीज आपका इंटरव्यू होता, यही आपसे जाना जाता कि आप कितना पानी में। तो यही लड़का फेल हो जाता है, प्रतिभा होते हुए भी वो पेन पेपर पर लिखते उनको सब चीज होते हुए भी वो पता नहीं पाता। अभी तुम लोग को लग रहा हो इतना तो ऑप्शन उनका याद था, लेकिन कैसे बोले, कैसे बोले, तो थोड़ा सा जब बैठे ना दो चार बार दस बार खुद को खुद बोला ले। कैमरा कोई बड़ी बात नहीं है, सामने जो इंटरव्यूअर में बैठा रहता ना वो भी कोई बड़ी बात, बस वो जानता है कि तू सामने बैठा रहते तो अंदर में प्रेशर क्यों हो रहा है। मेरा नाम रोशन कुमार। जब तुमको नाम बताने में इतना फट रहा है तो आगे कितना फट है? एक्सेल चल रहा है तुम्हारा। अच्छा, तुम एक्सेल का इंट्रोडक्शन दो। एक्सेल क्या है? एक्सेल तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? पावर पॉइंट। अब बताओ पावर पॉइंट है क्या? पावर पॉइंट जैसे कि एक तरह का वो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। अच्छा, प्रेजेंटेशन होता क्या है? हम प्रेजेंटेशन, हम न्यू आदमी हैं, प्रेजेंटेशन नहीं जान पा रहे,
प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो आप बताओ कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। अरे साला एंट्री लेट होगी बट सबसे ग्रेट होगी, ये बहुत बड़ा अच्छा लाइन है, डायलॉग नहीं है, जीवन पर छपना चाहिए। भले तुम पीछे है, भले तुम कमजोर है, बहुत अच्छा बात, लेकिन तुम ई समझ के पीछे नहीं रहो, तुम तैयारी ऐसा करो कि एक बार जो आगे चल रहा है ना उसका भी बाप बन, भले 2 साल बाद है पर 1 साल गैप हो गया, लेकिन पढ़ेंगे ऐसा कि उससे 3 साल आगे निकल जाएंगे। एक बार तुम जो चीज पढ़ने जा रहा है उस चीज को रगड़ दो एकदम। चंद्रयान 2 फेल हुआ क्यों? चंद्रयान फेल हुआ सब तो आदमी समझ रहा है, नॉर्मल आदमी आम आदमी क्या करता है, सीधे कहेगा कि फेल हो, लेकिन वैज्ञानिक क्या करता है, चंद्रयान 2 फेल हुआ क्यों, इसके पीछे 100 क्वेश्चन का आंसर उसको नॉलेज मिलेगा। चंद्रयान 2 में क्या चेंजेस किया जाए, क्या लगाया वहां पे, तब जाके सफलता मिला है। तो तुम लोग को मन में जो भी पहले आता है, जिस भी टॉपिक पावर पॉइंट है ना, पावर पॉइंट है क्या, पावर पॉइंट क्यों किया जाता है, पावर पॉइंट कहां दिए है, मतलब जितना भी से रिलेटेड क्वेश्चन है पहले वो क्लियर होना चाहिए, तब ना तुमको समझ में आएगा कि आखिर है क्या, तब ना तुम उसमें क्रिएटिव सोच, तो पहले उसका डीप नॉलेज लो एकदम कहीं से भी। अभी तुम लोग को मास्टर नहीं बताएगा, सब चीज ऑटो मोड में नहीं चलता, ऑटो मोड होने के अंदर सब मास्टर पर डिपेंड है, सर जी दिखाते थे ये सारा चीज, जितना बात अभी तुमको बताया सब बता दी, क्या बताएगा सर, क्या बताएगा सर, यही एक चीज है कि ऑटो मोड पे नहीं चलता है। बाका दिया बजा को टिक दीजिए, बजा बज रहा है, लेकिन मास्टर और इसमें एजुकेशन में एक ही सबसे अच्छा चीज है, आप अगर लेना नहीं चाह रहे हैं तो मास्टर भी देना नहीं चाहता, अगर आप लेना चाहते हैं तो मास्टर भी बहुत इच्छा से देना चाहता है।